जी, वेलकम बैक वंस अगेन मर्ज की नब्ज तक। जी हाँ, वो सेगमेंट है जिसमें हम बात करते हैं सेहत के हवाले से, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, कि आप अपने आप को कैसे सही रख सकते हैं। अगेन कहूँगी, दोबारा कहती रहूँगी और बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी ये कहने में कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। एहतियाती तदाबीर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, सिर्फ बातें ना करें, इंप्लीमेंट भी उनके ऊपर करें, फिर देखें आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी गुजरेगी। आज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, हम स्किन के हवाले से बहुत सारी बात करें। और फारूक, आई थिंक चाहे मेल्स हों या फीमेल्स हों, यंगस्टर्स हों या मिडिल एज खवातीन या मर्द हज़रात, अगेन स्किन इज ऑलवेज द प्राइमरी मेरे ख्याल में कंसर्न किसी भी इंसान के लिए। आज हम एक्नी के हवाले से बात करेंगे कि एक्नी चीज क्या होती है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, एंड ट्रीटमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बात करेंगे किनसे, ये बताएं। बात हम करेंगे जी, यू कैन कॉल इन एज वेल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजीम जहांगीर, ही इज अ प्रोफेसर ऑफ डर्मेटोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजिक सर्जरी। आई होप आई प्रोनाउंस्ड इट करेक्टली, मैंने 10 दफा रोटा था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? डॉक्टर साहब, ये पूछना चाहूंगा, एक्नी के हवाले से अभी सुंदर बात कर रही थी, क्या वजूहात हैं, क्या चीजें आप अवॉइड करें तो आप एक्नी से बच सकते हैं? अक्सर लोग कहते हैं जी, ये जो गर्म चीजें होती हैं स्पेशली पिस्ता काजू, ये खाएं तो ज्यादा जल्दी आपका एग्रवेट हो जाती है एक्नी, या पिंपल ज्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं, और इज दैट करेक्ट? और अगर करेक्ट है तो इसकी साइंटिफिक वजह क्या? पहले बात तो ये जी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह जो बताने की है लोगों को, वो ये है कि एक्नी जो है वो एक डिजीज है, और इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि डिज़ीज़ नहीं, बल्कि जो ये खाएगा चीज़ों से हो जाएंगी। हमारी जो सोसाइटी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सोसाइटी है। जब मैं अमेरिका से यहाँ वापस आया तो किसी के सर में दर्द हो जाए, वो कहेंगे जी आज मैंने कोफ्ते खाए थे, शायद सर में दर्द हो गया। अगर किसी को मलेरिया हो जाए, वो कहते हैं जी मैंने रात को कहीं कोई चीज़ खा ली थी, जूस पी लिया तो उससे हो गया। तो तमाम चीज़ें खाने से नहीं होती, और एक्चुअली बहुत कम बीमारियाँ जो जिनका खाने से डायरेक्ट कोरिलेशन है। एक्नी का कोई कोरिलेशन खाने से नहीं है, साइंटिफिकली कोई खाने वाली चीज से एक्नी का कोरिलेशन नहीं, और अगर है तो वो लेस देन 10% लोगों में होता है। यानी 90% जो आप देखते हैं दाने चेहरे पे निकले हुए लोगों के, उनका कोई खाने से ताल्लुक नहीं। अच्छा, अक्सर खवातीन की ये फरमाइश होती है कि जिन्हें एक्नी वगैरह का इशू हो, कि कोई ऐसी ओवरनाइट आप जादू की छड़ी फेरें कि हमारी स्किन और हमारी जो है ना बिल्कुल पर्सनैलिटी अतीका ओडो जैसी हो जाए, तो क्या ये मुमकिन होता है आम लाइफ में? देखें, सबसे ज्यादा मसला जो एक्नी के मरीजों में और एक जनरल भी हमारी पॉपुलेशन में, वो ये है कि हम जादू चाहते हैं ओवरनाइट, और उसमें अक्सर धोखा खा जाते हैं बड़े बड़े बोर्ड्स, बड़े बड़े इश्तहारात देख के। तो अगर किसी ने कहा जी ये क्रीम है और इससे रंग भी गोरा हो जाएगा, झुरियां भी चले जाएंगी, आप 20 साल जवान हो जाएंगे, ये सिर्फ 10,000 रुपए की, वो 10,000 रुपए दे के ना हफ्ते में कुछ होता है और वो भूल जाते हैं, वो गम भी भूल जाते हैं कि ये क्या हुआ था, फिर दोबारा असल काम पे फिर दोबारा आ जाते हैं। देखें, एक्नी जो है या दाने जो हैं, ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें कुछ अरसे के लिए इलाज करना पड़ता है, वो चंद माह भी हो सकता है, चंद साल भी हो सकता है। चंद साल का ये मतलब नहीं कि आपने कोई 10 दवाइयां रोजाना खानी है, चंद साल का ये भी मतलब हो सकता है कि आपने कोई एक दवाई, कोई एक लोशन की सूरत में दवाई जो है वो आपको दिन में एक दफा लगानी पड़े, जब तक कि आप उस एज ग्रुप से ना निकल जाएं जिसमें कि एक्नी होते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, फर्ज करें अगर एक पेशेंट को 20 साल से 25 साल की उम्र में एक्नी होने का, दाने होने का अंदेशा है, और हमें पता है कि हो रहे हैं, और इन्होंने 5 साल चलना है, अब वो 5 साल में अगर आप उसको किसी ना किसी दवाई पे रखें, थोड़ी बहुत लगाने वाला दिन में एक दफा लोशन लगाने वाला, जो कि मेरे ख्याल में खवातीन वैसे ही लगाती हैं, और मॉइस्चराइजिंग लोशन, तो उसकी बजाय अगर दवाई वाला लोशन लगा दें, तो वो 5 साल लगाने में वो कहेंगे नहीं, 5 साल की बजाय हमें ओवरनाइट ठीक हो, और अगर नहीं होता तो वो एक से दूसरा डॉक्टर, दूसरे से तीसरा। ये अब आप वंस एंड फॉर ऑल, आई थिंक फॉर ऑल द व्यूअर्स क्लियर कर दें कि ये जो ओवरनाइट जो आप बता रहे हैं, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, ये कमर्शियल्स देख के या खूबसूरत चेहरे देख, मैंने एग्जांपल दिया थी कोडो की, कि मैं ओवरनाइट मुझे वो बना, कि ये क्या ये मुमकिन होता है क्रीम्स और जो मार्केट में अवेलेबल है ओवरनाइट या हफ्ते या 2 हफ्ते में कोई इस तरह का चेंज, गोरा करने की क्रीम होती है, फिर एक्नी रिमूव करने की, इज इट पॉसिबल? ये देखें जी, ना सिर्फ ये कि पॉसिबल नहीं है, मेरी सिर्फ गुजारिश, आपने जैसे खुद ही वो टच कर लिया टॉपिक के, बहुत सारे हमारे फिल्म स्टार्स और जो पब्लिक आइकॉन्स हैं, पब्लिक आइकॉन्स हैं, उनसे मेरी एक सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टरी को, मेडिसिन के शोबे को आप ग्लैमराइज करें, लेकिन फिर सच्चा ग्लैमराइज करें, ताकि पेशेंट उससे, फ़र्ज करें अगर एक कोई शैम्पू है और हमें पता है कि मरीजों के जिस्म में ख़ास किस्म के विटामिन की कमी है या आयरन की कमी है या उसका थायराइड का मसला है,
और आप उसको ग्लैमराइज कर दें कि फलां अगर आप शैम्पू यूज करेंगे तो ओवरनाइट आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगे। या अगर आपको पता है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट में खुद करता हूं, मुझे पता है कि जब हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो कितनी डेंसिटी आ सकती है, कितने बाल लग सकते हैं एक दफा में, और उससे ज्यादा नहीं लग सकते। और अगर कोई हमारे बहुत अच्छे हमारे बहुत ही मोहतरम आर्टिस्ट हैं, बहुत पब्लिक आइकॉन्स हैं, अगर वो टेस्टिफाई कर दें कि नहीं इतने नहीं बल्कि इतने ज्यादा गाढ़े बाल लग सकते हैं, और मुझे पता है कि उनके शायद किसी ने फ्री हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया उसके लिए, या और ये पूरी दुनिया में होता है, इश्तहार भी आता है, लेकिन अगर वो एक्सपेक्टेशन मरीजों की इस हद तक हाई कर दें कि जो कि पॉसिबल ना हो, तो मेरे ख्याल में वो मेडिसिन की सर्विस नहीं बल्कि डिस सर्विस है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू, एंड इंशाल्लाह आपको फिर दावत देंगे। नाज़रीन अब हमने जाना है ब्रेक नहीं, नहीं, लेकिन ब्रेक से पहले मैं ये बता दूं कि हमारे पास आगे कौन कौन आ रहा है। जनाब कबीर खान साहब, द वेरी सीजनड वेटरन आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान शोबिज, और उसके अलावा हमारे साथ हसन होंगे और उनकी बहन होंगी जी ज़ारा। आपने कहीं नहीं जाना, कोई काम है ब्रेक में कर लें, उसके बाद गुंजाइश नहीं होगी, फिर ना कहना कि मैंने कहा नहीं था। सो हम यूं गए और यूं वापस आए। स्टे ट्यून्ड की कोचिंग कह रही है से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जा रही है खेलने के लिए, यूं गए और यूं आए हैं। बस इसी तरह हो रहा है, बैट्समैन जिस तरह जाते हैं बस जल्दी जल्दी में जाने दो फिर ताकि हम आ सके जल्दी से। तो हम यूं ही गए और यूं ही वापस आए। स्टे ट्यून्ड की कोचिंग, जागो दुनिया।